सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो मोल्डिंग का अड्डा होता है, कलम अड्डा बोलते हैं उसको, कैसे तैयार करते हैं उसके, कैसे मतलब उसका क्या हिसाब किताब है, उसको हम बनाएंगे आपको और वीडियो में दिखाएंगे कैसे उसको तैयार किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, जो लकड़ी है ये सागवन की है, टीक में जो स्क्रैप में माल था हमारे पास में, उसी को हमने इसका साइज बिल्कुल मार्किंग गेज करके, मतलब इसका साइज हमने निकाल के लेकर आए हैं। और इसका साइज आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो भी साइज रखते हैं, 1.5 इंची या 2 इंची, 2.5 इंच, जिस हिसाब से आपको इनको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें खास बात एक और आपसे बताना चाहेंगे, जो इसकी लकड़ी है ये 10.5 इंची लंबी है। आप चाहें तो अगर आपके पास जैसे मतलब मटेरियल होता है उस हिसाब से काम किया जाता है, अगर आप चाहें तो इसको 6 इंच में भी बना सकते हैं, 5 इंच में भी बना सकते हैं, और जैसा मतलब 8 इंची, 7 इंची, 6 इंची, जैसे जैसे जहाँ ज़रूरत, जिस हिसाब से आपको मटेरियल मिलता है उसी हिसाब से बनाया जा सकता है। क्योंकि कई बार हम साइट पर जाते हैं और वहाँ पर हमें नहीं मिलता है तो किसी तरह हमें काम चलाना होता है, तो इसलिए उस हिसाब से हमको उसका व्यवस्था करना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कहीं से जो बंदा काम कर रहा हो वहाँ से अड्डा लेके जाए, तो अगर वहीं पे हमें ज़रूरत पड़ गई तो हमारे पास जैसा मटेरियल होगा उसी हिसाब से हमें तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, ये देखिए 10.5 इंची इसकी लंबाई है, और इसकी जो हमने प्लाई लिया है 5.5 इंची चौड़ा है, और ये 12 इंची 1 फुट हाइट है इसकी मतलब लंबाई। तो इस हिसाब से हमने इसका लिया है साइज, और इसके जो ये प्लाई है इसको हम इसके नीचे थोड़ा सा नीचे के लिए निकालेंगे, ताकि जब रखते हैं कहीं ज़मीन में या फर्श पर, तो ये अगर इसी पे लकड़ी पे ही रहता है तो कई बार ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है डगमग डगमग, और अगर जब हम इसके नीचे थोड़ा छोड़ देंगे तो एकदम परफेक्ट बैठता है, तो हमें काम करने में भी आसानी होती है। अपने हिसाब से बना रहे हैं, आप भी जैसा आपके पास सामान हो उस हिसाब से आप भी तैयार कर सकते हैं। हमने नीचे से 1/2 इंची छोड़ा है जो ठीक है, 1/2 इंच अपने हिसाब से, और आप 1/2 इंच छोड़ें, 1/4 इंच छोड़ें, वैसा आप भी छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, खास बात एक और आपको बता रहे हैं, जो इसकी साइज होती है, जैसे मान लीजिए हमने इसको 1/4 इंची में चौड़ाई निकाला है, स्क्वायर में ही है, कई बारी जैसे हमें जरूरत होती है उस हिसाब से हम इसको तैयार करते हैं। अगर आपकी ये परफेक्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी जो चौड़ाई होती है, ये क्लियर होनी चाहिए, एक साइज में होनी चाहिए, चाहे 2 इंची हो या 1.5 इंची, कोई भी साइज हो, इसकी क्लियर बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज होनी चाहिए। और उसके बाद में ये चीज़ जो है अपना ये गुनिया में होना चाहिए, क्योंकि गुनिया में नहीं होगा अगर, तो उसको जब भी आप मोल्डिंग या बीडिंग कुछ भी काटेंगे तो जब ये टेपर में होगा तो ये टेपर में ही उसी हिसाब से कटिंग करवाएगा, फिर आप जहाँ भी रखेंगे उसको फिर परफेक्ट बैठेगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल 3 चीज़ें जो इसमें हैं, ये दोनों तरफ से इसका साइज मार्किंग गेज मतलब बिल्कुल कंप्लीट, और उसके बाद ये साइड पूरा गुनिया में, और नीचे की तरफ कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम ये जो दिखा रहे हैं आपको, दोनों साइड से हम छोड़ेंगे 1/4 इंच, ताकि कुछ भी अगर हमें कटिंग करना हो, बड़ा मोल्डिंग हो गया या कुछ भी, तो फंसे ना, इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये हमारा अड्डा जो है तैयार हो चुका है, मतलब इसमें अभी हम इसकी जो
कातरा काटने वाला सिस्टम बनाना है, बस सिर्फ वही करना है और बाकी ये तैयार हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम आपको दिखाएंगे जो इसका कातरा कटिंग किया जाता है, जो इसको कलम बोलते हैं, हमने तो कलम ही सीखा। तो कलम अगर आप कैसे काटेंगे, सबसे पहले जो इसकी जो पैमाइश होती है, इसकी क्या चौड़ाई है, ये इसकी जो साइज है, जो चौड़ाइयाँ होती हैं, इनको बिल्कुल क्लियर एकदम आप समझिए, 3.5 इंची है या 2.5 इंची है, उस हिसाब से आप एक तरफ में किधर आपको चाहिए कटिंग करने के लिए, मतलब इधर आपको आसन बैठता है या इधर, तो उस हिसाब से अब इसका हमने एक निशान लगा दिया है। उसके बाद में इसकी जो चौड़ाई होती है, जैसे ये कितना इंची है, इस समय हमारा ये है 3 इंची 350, उसी हिसाब से हम इसमें 3 इंच 350 निशान लेंगे। और उसके बाद में इधर साइड भी निशान लगाएंगे और दोनों साइड मतलब इसको खींच लेंगे। दोनों साइड खींचने के बाद में आपको दिखाते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें निशान लेने वाला। तो इसमें निशान कैसे लिया जाएगा, जो ये हमें इसको काटना है जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेंगे हमारी का निशान जो यहाँ से आगे चलेगी और यहाँ से, और इधर भी ऐसे चलेगी, इधर भी ऐसे। इसका हम निशान लेकर फिर आपको हम चीर के कटिंग करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको इसमें ट्रायल करके दिखाते हैं पूरा। अब हम इसको आरी से इसको कलम कलम की तरह जैसे इसको काटेंगे, उसके बाद में फिर ये तैयार होगा। तो दोस्तों देखिए हमारा जो ये कलम अड्डा है बनके तैयार है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट निशान पे ही कटे हुए हैं। आरी से हमने इसकी कटिंग किया है, इधर भी बिल्कुल परफेक्ट है, देख लीजिए कोई इसमें वो नहीं है। और इसके बाद में जो भी बिल्कुल तैयार है, इसमें हम कलम काट कर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने मोल्डिंग जो इसका कुछ कटिंग करने के लिए डिजाइन थे जो वो रह गए दुकान पर ही, इसलिए हमने सिर्फ हाफ राउंड का टुकड़ा था अपने पास में यहाँ, तो हम इसी को ही आपको दिखाएंगे बिल्कुल सिंपल के तौर पर, क्योंकि हमारे पास में जो इसका सिस्टम था वो दुकान पर ही रह गया है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं एकदम जॉइंट जो है इसमें परफेक्ट आया है। अभी इसमें हम पूरा क्लियर क्या है कि हमारे पास में यहाँ लेकर नहीं आए थे, नहीं तो आपको दिखाते मोल्डिंग वगैरह कटिंग करके, इसमें तो हमारी गुनिया लग नहीं पाएगी सही से, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन इसकी पूरी, लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, 1.25 इंची बिल्कुल
क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।